कुल्लू न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अर्श रेडीमेड स्टोर। पलाजो सूट, वुलन कुर्ती, वुलन पोंचो व वुलन कोट, बच्चों के नए डिजाइन के कपड़े व महिलाओं के भी हर तरह के सर्दी व गर्मी के डिजाइनर कपड़े यहां पर उपलब्ध हैं। अर्श रेडीमेड लोअर ढालपुर में हर तरह के कपड़े लेने के लिए पधारें, जहां पर कपड़ों पर विशेष छूट दी जाती है। तो आज ही चले आइए इस मौके का फायदा उठाने के लिए ढालपुर में। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में शुक्रवार को शुरू हुई मोटर स्पोर्ट्स आगामी 3 दिन तक चलेगी। इस स्पोर्ट्स का आयोजन हिमालयन एक्सट्रीम एसोसिएशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन एसडीएम सन्नी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर हिमालयन एक्सट्रीम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह मोटर स्पोर्ट्स सड़कों को छोड़कर मैदान में होगी और इसके लिए एक ट्रैक बनाया गया है, जो कि प्रतिभागियों के लिए काफी चुनौती भरा रहेगा। उन्होंने बताया कि 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश से लगभग 100 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। इस दौरान 11 बार रेड दी हिमालय रहे सुरेश राणा ने भी सभी प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की। इसके साथ ही प्रतिभागियों के माध्यम से रोड सेफ्टी के साथ साथ ड्रग्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया जा रहा है। वहीं महिला प्रतिभागियों को देखने के लिए भी युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। कर रहे हैं हिमाचल में पहली दो बार हमने पतलीकुंड में करवाई थी रैली। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि काफ़ी कुल्लू में अगर ढालपुर ग्राउंड में कॉम्पिटिशन करती थी, काफ़ी लोगों को देखने को मिलता और हम देख रहे हैं कि लोगों में आजकल बच्चों में नशे की ज़्यादा लत पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि मोटर स्पोर्ट भी एक हैबिट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हैबिट बन जाए और अच्छा है और इसमें फ्यूचर भी देख सकते हैं। चाहते हैं कि जो बच्चे नशे में हैं वो इस दिन मोटर स्पोर्ट में आए और इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं। और हम इसमें सेफ एनवायरनमेंट में कर रहे हैं और सेफ्टीज के सारे हम इसमें प्रिकॉशंस हमारी पूरी हैं और इसमें एम्बुलेंस भी हमने रखी हुई है और फायर्स का भी है और सारी जितनी भी हम कोशिश करेंगे सेफ एनवायरनमेंट में। कितने लोग अधिक अभी तक पार्टिसिपेट आए हुए हैं तो और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और बढ़ने की उम्मीद है। कल तक हम एंट्रीज ओपन रखी हुई है, कोशिश करेंगे कि इस रेस को देख के और भी ज़्यादा ज़्यादा आए और इस बार लेडीज़ का भी हमारे इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ भी पार्टिसिपेट करें। मैसेज कहना चाहता हूँ कि इसमें मोटर स्पोर्ट में अगर आप नाम बनाना चाहेंगे तो ये हमारा बेस है, यहीं से आप शुरू कर सकते हैं मोटर स्पोर्ट के जो आप कैरियर शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है न्यू कमर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने जा रहा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कुल्लू से शालनी राय भारद्वाज की रिपोर्ट।